एक भयानक जंगल में एक किसी पेड़ में किसी कारणवश आग लग जाती, सिर्फ उस पेड़ में। और उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया रहती है और चिड़िया के घोंसले भी रहते हैं। अब चिड़िया तो उड़ सकती है, पर उसके घोंसले में चार अंडे होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, वो कहीं जा नहीं पाती है। तो चिड़िया भागती फिरती है और गुजारिश सबको करती है, कहीं किसी कारणवश आग किसी किसी वजह से या किसी की मदद से आग बुझ जाए और उसके बच्चे, उसके चिड़िया के घोंसले जो है, उसके अंडे जो बन जाए वो। और उसी पास में एक नदी होती है, नदी किनारे एक हाथी जो होता है वो अपनी सूंड से नहा रहा होता है, मजे कर रहा होता है, सूंड से पानी भर के नहा रहा होता है। तो चिड़िया उस हाथी से गुजारिश करती है, बोले हाथी भैया, हाथी भैया, आपके सूंड में चार पांच बार पानी भर के इस पेड़ की आग बुझा दीजिए ताकि मेरे बच्चे बच पाए। पर हाथी भैया सुनते नहीं, उसको नकार देते, बोले नहीं, मेरा नहाने का टाइम है, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो फिर चिड़िया क्या करती, बहुत गुजारिश करती, कुछ समझ नहीं आते, तो खुद आखिरी में जाके अपनी चोंच में पानी भरती, छोटी सी चिड़िया की छोटी सी चोंच, उस नदी से पानी भरती है, चोंच में पानी भरती है और उस पेड़ पर डालती, कि इस उम्मीद में कि कहीं वो हजारों बार ऐसा करती, सैकड़ों बार ऐसा करती कि किसी तरीके से वो आग बुझ। तो इसी बीच हाथी उसको रोकता है, बोले चिड़िया पागल हो गई है क्या, ऐसी चोंच पानी भर भर के क्या तेरे पेड़ की आग रुक जाएगी या तेरे बच्चे बच जाएंगे, पागल है क्या, ऐसा तो होगा नहीं। तो चिड़िया इतना अच्छा जवाब देती है उस हाथी को कि हाथी भैया, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं अपने बच्चों को बचा पाऊंगी या इस पेड़ की आग बुझा पाऊंगी, पर मुझे ये जरूर पता है कि आज नहीं तो कल जब कभी भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, इस चिड़िया का नाम आग बुझाने वालों में से होगा, आग लगते वक्त देखने वालों में से नहीं, मैं आग बुझाने वाली हूँ। तो ये लाइफ में बहुत मैटर करता है। इट डजेंट मैटर कि हाथी जैसी साइज है, हाथी जैसा आपके पास पैसा है, हाथी जैसी आपकी ताकत है, इट ऑल मैटर्स कि आप काम कितना करते हो, आपकी नीयत क्या है और आप कितना अच्छा सोचते हो। आप क्या हो, आप हाथी हो या चोच, आप क्या करोगे, जब फटाक से बताओ तो मुझे कमेंट में।